कराची में हसास इदारों के हाथों गिरफ्तार लियारी गैंग वॉर और उजैर जान बलोच के करीबी साथी नौमान सदीकी ने अहम इंकशाफात कर दिए हैं। 5,000 से ज्यादा लड़के गैंग वॉर में शामिल हैं जो मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस हैं। अहम इंकशाफात सामने आए। कराची में हसास इदारों के हाथों गिरफ्तार लियारी गैंग वॉर और उजैर जान बलोच के करीबी साथी नौमान सदीकी ने अहम इंकशाफात किए हैं। उसका यह कहना है कि ऑपरेशन के बाद नेटवर्क दुबई और बलोचिस्तान से चलता है जो मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस भी हैं। इस बारे में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। साथ ही साथ उसने ये कहा कि पुलिस और सियासी सरपरस्ती उससे हासिल रही। ज्यादातर कार्रवाइयां सरकारी गाड़ियों में बैठकर की जाती थी ताकि किसी को शकूक व शुभात ना हो। कराची में हसास इदारों के हाथों गिरफ्तार लियारी गैंग वॉर और उजैर जान बलोच के करीबी साथी नौमान सदीकी ने अहम इंकशाफात किए हैं। गुज़श्ता जो भी कार्रवाइयां की गई उसका पोल खोल कर रख दिया। जिले हैदर 24 न्यूज के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जिले हैदर बताइए हमें, नौमान सदीकी ने मजीद क्या कुछ बताया? जी बिल्कुल, ये कराची में जो जराइम और दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं इसमें से पर्दा चाक किया गया है जो कि नुमान सिद्दीकी उजैर जान बलोच के करीबी साथी हैं और गैंग वॉर में काफी एक्टिव रहे हैं। इसे दुबई से कराची जब ये पहुंचा है और इसे गार्डन के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। इब्तदाई तफ्तीश में इसने इंकशाफ किया है कि ज्यादातर कार्रवाइयां सरकारी गाड़ियों में बैठ के की जाती थी और बैकअप में पुलिस की सरपरस्ती हासिल होती थी। कई इलाकों के नाम लिए गए हैं जिसके SHOs और SP जो हैं वो गैंग वॉर के लिए काम करते थे और महाना भत्ता भी वसूल करते थे। इसके अलावा एक इंकशाफ उसने ये किया है कि जितने भी बड़े काम हुए हैं जिसमें अगवा बराए तावान है। शुक्रिया जिले हैदर।